हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधा। आज मैं आपको स्लिप काटना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। साथ ही साथ आपको निशान लगाना, डिजाइन की बाजू काटना और उसकी स्टिचिंग करना भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सिंगल लास्टिंग काटना बता रही हूँ। ये मैंने पेपर लिया है। सबसे पहले हम स्लिप की चौड़ाई ले रहे हैं। यह मैंने फुल चौड़ाई ली है। फुल चौड़ाई हमारी 18 होती है। 18 को फोल्ड करेंगे, 9 इंच आएगा। तो इसकी चौड़ाई हमने 9 ली है इस तरीके से। अब बाजू की लंबाई लेंगे। तैयार लेंथ हमें इसकी 4 चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 5 इंच की हो जाएगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे, 3 इंच ऊपर से ले लेते हैं। ये 2.25 ले लिए, एक बार फिर देख लीजिए, 3.25 इंच ले लिए इधर। अब अपनी मोहरी का निशान लगा लेते हैं। हमारी मोहरी का मेजरमेंट 6.5 है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। ये 6.5 पर निशान लगा लिया है। अब जो 2.25 पे हमने निशान लगाया था, इस पॉइंट से हम अपने आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल आपको नहीं पता है तो हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं आर्म होल निकालने का। अगर आपकी मोहरी 6.5 है तो आर्म होल यहाँ पे आप 7.5 लेंगे, 1 इंच उसमें बढ़ा देंगे। अगर आपकी मोहरी है उसमें 6 है तो 7 आर्म होल ले लेंगे। यहाँ पे मेरे 6.5 मोहरी है तो 1 इंच बढ़ा देंगे, 7.5 के आर्म होल हो जाएंगे। और आर्म होल वाले और ऊपर वाले पॉइंट को इसको मिला देंगे, मोहरी के और आर्म होल के पॉइंट को मिला देंगे। एक 1.5 इंच आप मार्जिन के लिए ले सकते हैं। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब आप इस तरीका से गोलाई देते हुए नीचे तक निशान लगा देंगे इस तरीका से। ये हमारी निशान लग के कंप्लीट हो चुके हैं आस्तीन के। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। एक्स्ट्रा पेपर को भी कट कर देंगे। अब मैं आपको इसमें डिजाइन लगा काटना बताती हूँ। पहले हम इसके निशान लगा देते हैं। 1 इंच हम मोहरी की तरफ से निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच हम ऊपर से लेंगे। अब नीचे वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से शेप देते हुए गोलाई दे देंगे इस तरीका से। इसकी शेप दे देंगे, 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। इस वाले पॉइंट से आगे वाले पॉइंट तक 2.5 इंच ऊपर लगा लेंगे। इसकी बीच की दूरी हम 1-1 इंच तक रखेंगे और इसका भी शेप दे देते हैं। ये हमारे ऊपर तक 1-1 इंच आनी चाहिए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम अंदर वाली डिजाइन कट करेंगे। एक पार्ट ये हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को कट करेंगे। इसको भी हमने कट कर लिया है। अब इसे खोल के दिखा देते हैं। ये इस तरीका से हमारी बाजू की कटिंग आएगी। अब हमें यहाँ पाइपिंग लगानी है और ऊपर भी लगानी है। दोनों साइड हमें पाइपिंग लगानी है। अब आगे की शेप दे देंगे पत्तीनुमा आकार में।
ये हमने सेव दे दिया। अब ये पेपर कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पेपर को हम अपने लाइनिंग पर रख कर काट लेंगे। ये हमने लाइनिंग पर और फिर अपने फैब्रिक पर कट कर लिया है पेपर को रख के इस तरीका से। अब इसे हम जॉइंट कर लेंगे लाइनिंग को और फैब्रिक को। फैब्रिक हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर हमारा लाइनिंग है, नीचे हमारा फैब्रिक है। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट में किस तरह से कर रही हूँ आप देख लीजिए। अब इसकी स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसमें हम 1.5 इंच की और भी पाइपिंग काटेंगे। ये हमने 1.5 इंच की पाइपिंग काट ली है और इसे फोल्ड करेंगे। और इसके ये राउंड में पाइपिंग लगा देंगे, जैसे हम गोल गली पे पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीका से हम इस पे पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग हमें सीधी तरफ से लगानी है, 1/2 इंच हम बढ़ा के लेंगे। अब इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। हमें कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का ही खींच के लगानी है। ये पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि हमारी पाइपिंग में अच्छी सी फिनिशिंग आए। एक कट हमने लगा लिया। अब इसको फोल्ड कर देंगे और ये हमारी बहुत सुंदर सी पाइपिंग बनके तैयार हो जाएगी। हमें इसके ऊपर ही ऊपर स्टिचिंग करनी है, सिलाई हमें बाहर नहीं निकालनी है, नहीं तो हमारी सिलाई दिखेगी। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके स्टिचिंग कर लीजिए। ये स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये इस तरीके से पाइपिंग लग के तैयार हो चुकी है। अब जो हमने इसमें अंदर वाला कपड़ा काटा था, अब उसका 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, दूसरा कपड़ा ले लेंगे, दूसरे कपड़े पर रख कर 1-1 इंच एक्स्ट्रा काट लेंगे। ये देखिए कपड़े को रखे मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद लाइनिंग को फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब इसे फोल्ड कर लेंगे, एक सिलाई ऊपर से और लगा देंगे।
अब इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, जो हमारा अब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, अब 1 इंच हम कम लेंगे इस कपड़े के बराबर, इस कपड़े के बराबर 1 इंच हमने और ले लिया है। निशान लगा लेते हैं। अब इसे 1 इंच कम पर निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ 1 इंच हम कम करेंगे। चारों तरफ से मेरा 1-1 इंच ही आया है। आप भी ऐसे ही शेप दीजिएगा। और अंदर से कट कर देंगे। अब इस पे हम पाइपिंग लगा लेते हैं। जैसे हमने पहले लगाई थी उसी तरीके से हम दोबारा पाइपिंग लगा लेते हैं गोल गोल राउंड में। सिलाई हमें रुक रुक के ही करनी है, एक साथ नहीं चलानी है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब इस पे भी हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि हमारी पाइपिंग अच्छी सी बने। इसे भी हम उसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। और स्टिचिंग कर लेते हैं। ध्यान रहेगी हमें स्टिचिंग बाहर नहीं चलानी है, अंदर ही साइड चलानी है। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। बड़े ही ध्यान से इसकी स्टिचिंग करनी है। अगर हम एक साथ मशीन चला देंगे तो हमारी पाइपिंग पर झोल आ जाएगी, इसलिए हम आराम आराम से स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से बीच बीच में मशीन को उठा भी लेंगे। उठा उठा कर हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इस तरीका से आएगी। अब हमने जो अंदर की साइड का कपड़ा कट किया था अब उसको हम दूसरे फैब्रिक पे काटेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से काट रही हूँ। मैंने काट को लाइनिंग को जॉइंट कर लिया है। अब इसमें हम पट्टियाँ जॉइंट करेंगे इस तरीका से।
निशान लगा लेते हैं। मैं यहाँ 3 पट्टियाँ जॉइंट करूँगी, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से पट्टियाँ कट कर सकते हैं। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अगर आपकी पट्टियाँ 2 आएँ या 4 हो जाएँ तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं 3 पट्टियाँ लगाऊंगी। अब इसे डबल सिलाई दे देंगे। पट्टियाँ मेरी लग चुकी हैं। यहाँ पे मैंने 3 पट्टियाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब इन पट्टियों को इसके ऊपर नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, हम पट्टियों को हम नीचे रखेंगे और निशान लगा लेते हैं। और इस तरीके से हम इसकी सिलाई दे देंगे गोल गोल राउंड में। पहले हम निशान लगा लेते हैं। आप चाहें तो आल पिन से इसे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ निशान लगा के आपको बता रही हूँ। अब इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। हमें इसकी स्टिचिंग ध्यान से करनी है, बहुत ही धीमे धीमे उठा उठा के मशीन चलानी है। ये आप बिगनर्स हों तो बहुत आराम से मशीन चलाएं। हम इस पर डबल सिलाई लगा देते हैं ताकि हमारी स्लिप मजबूत हो, उधड़ने का कम चांस रहे, क्योंकि सिंगल सिलाई लगा लेंगे हम तो हमारे उधड़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। डबल सिलाई से एकदम पक्की सिलाई हो जाती है। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर देंगे। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम ऊपर रखेंगे, अब इसको हम नीचे रखेंगे इस तरीका से। अब पहले की तरह आप यहाँ आल पिन से या निशान लगा के इसे सेट कर लीजिए और ऊपर से इसकी स्टिचिंग कर दे देंगे। मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ, गोलाई में इसकी शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। इस तरीका से अब इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। बहुत आराम से मशीन चलानी है हमें। ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये हमारी डिजाइन स्लिप कट बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आप दूसरी बाजू भी बना लें। आप चाहें तो यहाँ पे पूरी लाइन पे पाइपिंग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे साड़ी का बॉर्डर लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक आप पाइपिंग लगा सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक आधा बॉर्डर लगाऊंगी, बीच में पाइपिंग लगाऊंगी यहाँ से यहाँ तक।
ये हमने ओरवी पट्टी 1.5 इंच की काट ली है। पहले हम पाइपिंग लगाएंगे, यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक हमें इसकी पाइपिंग कंप्लीट करनी है। पाइपिंग लगाते हैं, ये हमारी पाइपिंग लग के कम्प्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम बॉर्डर जॉइंट करेंगे। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप पूरे में पाइपिंग लगा सकते हैं, पूरी लाइन में। डबल सिलाई कर देंगे, ऊपर भी सिलाई कर देते हैं। इसे नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दोनों साइड में अपने बॉर्डर लगा लेंगे। इस तरफ भी पहले से फोल्ड कर लेते हैं। इस पे भी सिलाई लगा लेते हैं। ये आप देख रहे हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ, आपको भी इसी तरीका से लगानी है। यह आस्तीन हमारी तैयार हो चुकी है। ये मेरी डिजाइन की आस्तीन दोनों बाजू कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।